ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। उन्होंने ऐलान कर कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को बड़ा झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, पंजाब में कोई गठबंधन नहीं। ममता बनर्जी की अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, कहा सीटों का बंटवारा थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन छोटे मोटे मनमुटाव का हल कर दिया जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कार का एक्सीडेंट, सिर में लगी चोट, वर्धमान से कोलकाता वापस लौटते वक्त दुर्घटना। यूक्रेनी युद्धबंदियों को ले जा रहा रूस का सैन्य प्लेन क्रैश, प्लेन में सवार थे 65 लोग, सभी की मौत। 44 साल बाद असम में उग्रवाद का अंत, लंबे संघर्ष के बाद उल्फा को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया है। संगठन के अध्यक्ष अरविंद राजखोवा ने विघटन की घोषणा की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा निर्माण घोटाला मामले की लोकायुक्त अदालत में हुई सुनवाई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया गवाह, कहा जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि, जयपुर से करेंगे भारत यात्रा की शुरुआत। एमसीडी एनडीएमसी ने बाजार संघों को भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरों वाला झंडा हटाने का दिया निर्देश, कहा सम्मान पूर्वक निपटान किया जाए। दिल्ली अबकारी घोटाला मामले में संजय सिंह के पूर्व पीए सर्वेश मिश्रा को मिली जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत देने का दिया आदेश। अधिक खबरों की अपडेट के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।